ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 11 अगस्त 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। कल हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा बुल्स ने स्ट्रेंथ तो दिखाई मॉर्निंग सेशन में, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, जो डे का हाई था वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक डोजी पैटर्न यहाँ पर बनाया है डेली चार्ट में। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 10 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का वीडियो। अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,248। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर काफ़ी ऊपर ये ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ ये मूव करने लगा। पीवट पॉइंट का आरतरी का लेवल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस काम किया, जहाँ पर कुछ दिनों पहले इसने ऊपर जाते वक्त 11,300 के पास एक हाई लगाया था और वहाँ से एक फॉल दिखाई दिया था। एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से ये फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये जैसे ही बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट 11,281 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 11,296 एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया और सेकेंड टारगेट भी अचीव किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो काफ़ी कल भी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं सबसे पहले। कल अमेरिकी बाजार देखें तो डाउ जोन्स जो था वो काफ़ी तेजी दिखा रहा था, हालांकि नासडैक में गिरावट देखने को मिल रही थी और नासडैक करीब 42 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो जैसी कमजोरी दिखाई दे रही है लास्ट 2 वीक से यूरोपियन मार्केट्स में, कल एक हल्की सी बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज सभी खुल चुके हैं, एसजीएक्स निफ्टी 43 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स और हांगकॉन्ग इंडेक्स भी ज़बरदस्त तेजी इस समय दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो 86 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल एशियाई बाजार के जो संकेत हैं थोड़े से पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है, ये लास्ट कैंडल है यानी 10 अगस्त का। अगर आप इसे देखें तो एक डोजी जैसा कैंडल स्टिक बना है, यानी जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं आकर ये क्लोज हुआ है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत पा रहे हैं ना बेयर्स जीत पा रहे हैं। तो ये जो डोजी है ये ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। हालांकि ग्रेवस्टोन डोजी के वक्त ओपन और लो एग्जैक्ट सेम होता है, ये ऑलमोस्ट उसी की जैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट वैसा ग्रेवस्टोन डोजी जैसा ये पैटर्न है जो हमें दिखाता है कि बेयर्स का स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बुल्स के ऊपर हावी हो चुका है। बुल्स ने कोशिश की ऊपर जाने के लिए लेकिन बेयर्स हावी हो गए और फिर से जहाँ पर ओपन हुआ था एग्जैक्ट उसी के पास आकर ये क्लोज हुआ है। अब ये सिग्नल है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर ऐसा बियरिश कैंडल बनना होगा और ये 2G का लो इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा तो हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये जस्ट सिग्नल है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखें तो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के ऊपर ये करंट कैंडल का हाई और लो है, यानी हायर हाई हायर लो, ये जो अप ट्रेंड का पैटर्न होता है ये यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लास्ट फॉल आया था हम देख सकते हैं ये 11,340 के यहाँ से एक करेक्शन आया था 20 AMA तक, तो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आके फिर से एक बार बेयर्स ने अपना कंट्रोल यहाँ पर लेने की कोशिश की है।
तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर ड्रॉ करते, ये जो लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्ट ये 11270 का लेवल भी उसी के पास आ रहा है जहाँ पर ये क्लोज हुआ था, यानी 50% का लेवल। तो यहाँ पर एक हर्डल है ऊपर भी, ऑलमोस्ट इसने ये 61.8% का लेवल कल अचीव होने के लिए इसने बहुत ट्राई किया। तो 11,360-400 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस होगा आने वाले समय में। अगर उसे ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से और बढ़त कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर यहाँ से फिर से एक करेक्शन आता है तो इन लेवल्स के पास ये हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे, और मेजर सपोर्ट होगा 20 EMA के पास, जो कि अराउंड अभी 11,029 है, राउंड फिगर कर देते थे 11,000, तो वहाँ पर एक मेजर अभी सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट। तो ये था डेली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से ये जो फॉल आया था अभी कुछ दिनों पहले, एग्जैक्ट कल उसी जगह पे बुल्स ने अपना स्ट्रेंथ खो दिया और फिर से एक बार बेयर्स हावी हो गए। लेकिन जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट के संकेत मिल रहे हैं, अगर यहाँ से तेजी फिर से पकड़ लेती है, क्योंकि आर्ली चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ था। हैमर जब भी फॉल के बाद एक हैमर आता है तो ऐसा होता है कि बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से बेयर्स के ऊपर हावी होने देख रहा है। लेकिन जब तक ये जो यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जब तक इसको ये ब्रेक ना करे, इस लेवल को जब तक ये ब्रेक ना करे कंफर्टेबली, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है 11,298 के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, जो कि 11,325 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,341, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है, तो ये जो सेकंड टारगेट का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जो हमारा कल का ब्रेकआउट का लेवल बन रहा था, यानी ये लेवल 11,235, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है, ये देखिए इस लेवल के पास। तो ये लेवल अभी हो सकता है सपोर्ट का काम करे, जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है, हो सकता है ये अभी सपोर्ट का काम करे। इसके तुरंत नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो S1 के पिवट पॉइंट को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यानी 11,225 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,205, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल, यानी 11,183, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।